नमस्कार नेटा न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया, जिला योजना की बैठक में जम के हंगामा। कलेक्टर सभागार में बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित थी, जिसमें राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के साथ जनपद स्तरीय अधिकारी तथा जिला पंचायत के कुछ सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कुछ समय बाद ही जिला पंचायतों के सदस्यों ने जिला पंचायत की संख्या कम होने का हवाला करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए कुछ घंटों में जिला योजना की बैठक समाप्त हो गई। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टाल मटोल का जवाब दिया। क्या क्या योजना पर बात हुई, कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे, कौन कौन से जनप्रतिनिधि मौजूद थे, क्या था मामला? अब जिला योजना की बैठक थी और चूंकि 13 तारीख से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलने जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी की ये भावना है कि विधानसभा से पहले चूंकि बजट सत्र है, इस नाते पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों की जिला योजना की बैठक हो जाए और जिलों से जो वहाँ के सर्वांगीण विकास, वहाँ सरकार का जो लक्ष्य है करने का, उसके सापेक्ष जितने धन की आवश्यकता है वो डिमांड शासन तक आ जाए, उसी उद्देश्य को लेकर आज की बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान कुछ हंगामेदार रहा, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि मीटिंग का ताक पर रख के ये मीटिंग किया जा रहा है। आप लोगों ने इस मीटिंग को समाप्त कर दिया, आपस में बात करके सदस्य कम थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मेंबर से आप पूछ सकते हैं, बल्कि हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि बोर्ड का हमारा कोई भी सम्मानित सदस्य है। इस बार जो गंगा जी के किनारे गांव हैं, खास तौर पर जो हमारे पिछड़े जिले हैं जो 13, वहां उन जनपदों में धन का कोई अभाव नहीं आने दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों का जो भी प्रस्ताव होगा उसको शामिल किया जाएगा और जहां जनपद के नेता सभी बैठे हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, तो वार्ता तो होती है, इसीलिए तो बैठक है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। लोगों को बात करने का अवसर देने में हम लोग भरोसा रखने वाले लोग हैं। सबकी बात सुनी गई है, सबकी जो भी प्रस्ताव होगा कार्ययोजना में उसको शामिल किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।